हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टिप्स की पुकार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों दोस्तों इसके पहले भी एक जो है यहाँ पर वीडियोस में बताए थे कि काफ़ी लोग में जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों तो डेटा सेवर का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। जैसा कि दोस्तों हम जाते हैं अपने प्रोफाइल पे, थ्री लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डेटा यूसेज एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मीडिया का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें तो जो है यहाँ पर डेटा मतलब सेवर का ऑप्शन मिल गया है। बट दोस्तों कुछ लोगों में यही प्रॉब्लम आ रही है कि उनके में डेटा सेवर का ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है और वो लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारा एमबी जो है बहुत ही तेज़ी से जो है ख़त्म हो जा रहा है, हम अपना डेटा सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों देखने के बाद 100% आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे आप लोगों में ये ऑप्शन आएगा पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों काफ़ी लोग का कहना है, यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा डेट जो यहाँ पर मतलब अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, तो मेरे में ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्या कि हमारे में डेटा सेवर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चाहे आपका जो आईडी है, जो आपका अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट हो, प्रोफेशनल अकाउंट हो, उससे दोस्तों कोई भी आप लोग को लेन देन नहीं है। आपका बस अकाउंट होना चाहिए, आपका अकाउंट बस अगर रहेगा तो दोस्तों उसमें भी जो है आपको डेटा सेवर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग का दोस्तों यही कमेंट आ रहा है। तो आप लोग का अकाउंट अगर यहाँ पर क्रिएटर अकाउंट है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मतलब अकाउंट जो डेटा सेवर का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, आपको सीधे जो है अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपडेट कर देंगे तो न्यू फीचर्स जो आ ही रहती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर डेटा सेवर का ऑप्शन है ना, ये दोस्तों आप लोगों के इंस्टाग्राम में ही है। बट दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स आपको पता होगा, अपडेट आने के बाद सेटिंग्स सारी की सारी सेटिंग्स जो है चेंज हो गई हैं। तो आप लोग का दोस्तों यहाँ पर डेटा सेवर का ऑप्शन सब जब नीचे आप लोग जाएंगे ना तो यहीं पर आपको मिल जाएगा डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों में होगा ही नहीं, सब फ़ोन में मतलब सब यहाँ पर इंस्टाग्राम में है, बस दोस्तों सेटिंग्स को चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक एक सेटिंग्स को देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी का है, आप लोगों का भी यहीं पर होगा, तो आप लोग बस ध्यान से एक बार जो है देख कर चेक कर लीजिए, आपका यहाँ पर डेटा यूसेज का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं, आप लोग का पूरा अच्छे से बता दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।